हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना डीएम इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक 5 पत्ती फर्राटा फैन मोटर किस तरह से रिवाइंडिंग किया जाता है। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे हाथ में एक एक 5 पत्ती फर्राटा फैन का स्टेटस है। ये जो फर्राटा का आरपीएम है 1440 आरपीएम, ये 220 वोल्ट एसी में वर्किंग करता है। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है तो लास्ट तक वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका स्टेटस साइज करीबन 2.6 सेंटीमीटर का है। इसका आउटर डायर करीबन देख सकते हैं 11 सेंटीमीटर का है। इसका इनर डायर देख सकते हैं 6.2 सेंटीमीटर का है। इसका गोलाई साइज देख लेते हैं। इसका गोलाई साइज देख सकते हैं 34.4 सेंटीमीटर का है। दोस्तों, इसमें टोटल 24 स्लॉट हैं। इसके अंदर आपको 7 नंबर पीवीसी इंस्टॉल करनी है। रनिंग कॉइल में हम 29 नंबर SWG से कॉइल बनाए हैं और स्टार्टिंग कॉइल को हम 31 नंबर SWG से बनाए हैं। दोस्तों, ये रनिंग कॉइल है, स्टार्टिंग कॉइल है। रनिंग कॉइल के 4 सेट हैं, देख सकते हैं। इसमें 4 माला हैं। पहला सेट में 160 टन है, दूसरा सेट में भी 160 टन है, तीसरा सेट में भी 160 टन है, चौथा सेट में भी 160 टन है। रनिंग कॉइल का साइज है 54 सेंटीमीटर। इसको इंच में कन्वर्ट करें तो 21 इंच का है। SWG इसमें 29 नंबर एल्यूमिनियम वायर से। कॉइल टर्न रहेगा 160, कॉइल पिच रहेगा 1-4 में 1 रन, 1-6 में 2 राउंड। दोस्तों, स्टार्टिंग कॉइल है, स्टार्टिंग कॉइल के भी 4 सेट हैं, देख सकते हैं। इसमें 4 माला है। स्टार्टिंग कॉइल का 4 सेट है। पहला सेट में 160 टन है, दूसरा सेट में भी 160 है, तीसरा में भी 160 है, चौथा में भी 160 टन है। स्टार्टिंग कॉइल का साइज रहेगा 54 सेंटीमीटर। इंच में कन्वर्ट करें तो 21 इंच का होगा। SWG इसमें 31 नंबर एल्यूमिनियम वायर से बनाए हैं। कॉइल टर्न रहेगा 160, कॉइल पिच रहेगा 1-4 में 1 राउंड, 1-6 में 2 राउंड। चलिए दोस्तों, कॉइल इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले हम रनिंग कॉइल इंस्टॉल करेंगे। किसी भी एक स्लॉट में डाल देंगे पहले सेट के कॉइल को, एक साइड को किसी भी एक स्लॉट में। उसके बाद 1-4 में 1 रन डालना है हमको। 1-4 में 1 रन देख सकते हैं, 1-2-3-4। 1-4 में 1 रन डालना है। एक से चार में एक रन, 1-6 में 2 रन डालना है। देख सकते हैं, इसका इनर वार लेफ्ट साइड है, आउटर वार राइट साइड है इसका। इसके बाद डालेंगे 1-6 में 2 रन डालना है। 1-6 में 2 रन डालना है। देख सकते हैं, एक राउंड डल गया है, दूसरा राउंड डालेंगे। फिर एक साइड डल के डल गया है, उसमें स्लॉट पेपर डाल देते हैं। दूसरे साइड को भी डालेंगे। देख सकते हैं, इसमें 1-6 में 2 रन डाल रहे हैं। डल गया है, इसमें भी स्लॉट पेपर डाल लेते हैं।
सात नंबर का स्लॉट पेपर पीवीसी पेपर या सात नंबर का पेपर इसमें डालने हैं स्लॉट में। देख सकते हैं रनिंग कॉइल का पहला सेट कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद दूसरा सेट डालेंगे रनिंग कॉइल का। देख सकते हैं रनिंग कॉइल का दूसरा सेट इंस्टॉल कर रहे हैं हम। एक स्लॉट ऊपर छोड़ कर डालना है, उसके बाद फिर इसको एक से चार में एक राउंड देना है। देख सकते हैं एक दो तीन चार, एक से चार में एक राउंड देना है। पीवीसी इंस्टॉल कर लेते हैं इसमें। देख सकते हैं इसका कनेक्शन यहाँ से निकलकर यहाँ पर हो रहा है एक से तीन में, एक दो तीन, एक से तीन में कनेक्शन हो रहा है इसका। उसके बाद फिर डालेंगे एक से छः में दो राउंड डालना है। एक से छः में दो राउंड डालना है। देख सकते हैं एक राउंड कंप्लीट हो गया है, उसके बाद दूसरा राउंड डालेंगे हम घुमाकर कॉइल को होल्ड कर कर। एक से छः में एक राउंड, एक साइड दो राउंड हो गया है एक साइड, इसमें पेपर डाल देते हैं हम लोग। दूसरे साइड पर भी डाल देते हैं एक से छः में दो राउंड। देख सकते हैं दूसरा रनिंग कॉइल का दूसरा सेट भी इंस्टॉल हो गया। इसमें पेपर डालेंगे स्लॉट पेपर। रनिंग कॉइल का दूसरा सेट भी पूरा कंप्लीट डल गया है। इसमें तीसरा सेट डालेंगे रनिंग कॉइल का। रनिंग कॉइल का तीसरा सेट डालेंगे। एक स्लॉट छोड़ कर डालना है, उसके बाद एक से चार में एक राउंड डालना है। एक से चार में एक राउंड डालेंगे। देख सकते हैं इसको एडजस्ट कर लेते हैं। देख सकते हैं इसको ऐसे एडजस्ट करना है, उसके बाद फिर से डालेंगे एक से छः में दो राउंड। चलिए डाल लेते हैं इसको एक से छः में दो राउंड। एक राउंड हो गया है, देख सकते हैं एक से छः में एक राउंड हो गया है। फिर घुमा कर डालेंगे इसको दो राउंड डालना है हमको एक से छः में। देख सकते हैं एक से छः में एक साइड दो राउंड हो चुका है। इसमें पेपर
इंस्टॉल कर देते हैं। एक साइड को फिर डालना है हमको 1 से 6 में, तो हम डालेंगे। देख सकते हैं तीसरा सेट भी डल गया है, रनिंग कॉइल का तीसरा सेट भी डल गया है। इसमें कुकर डाल लेते हैं, देख सकते हैं रनिंग कॉइल का तीसरा सेट भी डल गया है इसमें। चलिए दोस्तों, रनिंग कॉइल का चौथा सेट हम इंस्टॉल करेंगे, इसको भी डालेंगे। ऊपर से 1 स्लॉट छोड़कर डालना है, उसके बाद 1 से 4 में 1 रन डालेंगे, पीवीसी डाल लेते हैं इसमें, स्लॉट पेपर या पीवीसी बोल सकते हैं हम लोग इसको। इसको एडजस्ट करेंगे, 1 से 6 में 2 रन डालेंगे। अब देख सकते हैं 1 से 6 में 1 रन डल गया है। इसके बाद 2 रन, फिर 1 रन डालेंगे, 1 से 6 में 2 रन डालना है हम। सकते हैं एक सेट डल गया है 1 से 6 में 2 रन। इसमें पीवीसी इंस्टॉल कर लेते हैं, दूसरे साइड को भी डाल लेते हैं। एक से छः में 2 रन हो चुका है। स्टार्टिंग कॉइल का चौथा सेट भी डल गया है, इसमें पीवीसी डाल देते हैं। देख सकते हैं रनिंग कॉइल का चारों सेट डल कर पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम स्टार्टिंग कॉइल डालेंगे, उसके बाद स्टार्टिंग कॉइल इंस्टॉल करेंगे। रनिंग कॉइल का 1 से 4 में 1 रन डला है, उस पीवीसी को निकाल कर हम स्टार्टिंग कॉइल के 1 से 4 में 1 रन डालेंगे। उसके बाद इस खाली स्लॉट में 2 रन डलाएगा स्टार्टिंग कॉइल का। चलिए इंस्टॉल करते हैं स्टार्टिंग कॉइल का पहला सेट। देख सकते हैं आप लोग रनिंग कॉइल का 1 से 4 में 1 रन हुआ है, उसमें स्टार्टिंग कॉइल का 1 से 4 में 1 रन डालेंगे। एक साइड डाल गया है स्टार्टिंग कॉइल, उसको पीवीसी डाल लेते हैं, उसके बाद दूसरे साइड को डाल लेते हैं। दूसरी साइड भी डल गया है, इसमें पेपर डाल लेते हैं हम। इसको इसको एडजस्ट कर लेंगे, उसके बाद 1 से 6 में 2 रन डालेंगे। देख सकते हैं इसका इनर वार लेफ्ट साइड है, आउटर वार राइट साइड है। इसको 1 से 6 में 2 रन डालेंगे। एक से छः में 2 रन डालना है, 1 रन कंप्लीट हो गया है। दूसरा रन डालेंगे फिर, देख सकते हैं एक साइड डल गया है 2 रन 1 से 6 में। इसमें पेपर इंस्टॉल कर लेते हैं, दूसरे साइड को भी इंस्टॉल करेंगे। 1 से 6 में 2 रन इंस्टॉल करना है,
देख सकते हैं पहला कॉइल, रनिंग कॉइल का पहला सेट इंस्टॉल हो चुका है। इसको हम पीवीसी पेपर या स्लैब पेपर डाल लेते हैं। देख सकते हैं रनिंग स्टार्टिंग कॉइल का पहला सेट कंप्लीट हो गया है। अब दूसरा सेट को डालेंगे। फिर रनिंग कॉइल का एक से चार में एक राउंड लगा है, उसको निकाल कर फिर स्टार्टिंग का एक से चार में एक राउंड डालेंगे हम। देख सकते हैं दोस्तों एक से चार में रनिंग कॉइल का लगा है। उस पेपर को स्लो पेपर को निकाल कर उसका स्टार्टिंग कॉइल पे को डालेंगे। एक राउंड डालना है एक से चार में एक राउंड डालेंगे। रनिंग कॉइल का एक राउंड डाला है, उसमें स्टार्टिंग कॉइल को एक राउंड डालना है। देख सकते हैं स्टार्टिंग कॉइल का दूसरा सेट डाल रहे हैं हम लोग। दोस्तों इसको एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा सा दबा कर उंगली से। उसके बाद एक से छः में दो रन डालेंगे हम। उसके बाद इस साइड को भी डाल देते हैं एक से छः में दो राउंड डालना है। इसके बाद में एक से छः में दो राउंड देख सकते हैं एक से छः में दो राउंड एक साइड हो गया है। दूसरे साइड को भी डाल देते हैं हम लोग। देख सकते हैं एक से छः में दो राउंड डाल गया है स्टार्टिंग कॉइल का। दूसरा था एक से छः में इंस्टॉल हो चुका है। इसमें पीवीसी पेपर या स्लॉट पेपर इंस्टॉल करेंगे। देख सकते हैं स्टार्टिंग कॉइल का दूसरा सेट पूरा कंप्लीट डल गया है। देख सकते हैं अब स्टार्टिंग कॉइल का तीसरा सेट डाल रहे हैं। एक से चार में एक राउंड डालना है। देख सकते हैं एक से चार में एक राउंड हो गया है। इसके बाद एक से छः में दो रन डालेंगे। एक से छः में दो रन डालना है। एक से छः में एक रन हो गया है। इसके बाद कॉइल को होल्ड कर एक से छः में एक राउंड और डालेंगे हम। डाल रहे हैं
एक से छः में एक साइड का बोरन हो गया है। इसमें पेपर इंस्टॉल कर लेते हैं, एक साइड को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। एक से छः में बोरन सकते हैं डल गया है। फिर स्टार्टिंग कॉइल का तीसरा सेट भी इसमें पेपर में इंस्टॉल कर लेते हैं। स्टार्टिंग कॉइल का तीसरा सेट भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम स्टार्टिंग कॉइल का चौथा सेट इंस्टॉल करेंगे। एक से चार में एक राउंड लगा है रनिंग का, उसको पीवीसी को निकाल कर एक से छः में फिर हम डालेंगे। एक से चार में फिर डालेंगे स्टार्टिंग कॉइल को, एक राउंड डालना है हमको। इसको इंस्टॉल करते हैं, चौथा सेट को हम स्टार्टिंग का डाल देते हैं। इसमें एक राउंड एक से चार में एक राउंड डाल देते हैं। एक से चार में एक राउंड डालना है। एक से चार में एक राउंड डाल गया है, इसमें पीवीसी इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके बाद इस रस्सी को खोल देते हैं। खोलने के बाद एडजस्ट कर लेते हैं इसको, कॉइल को। उसके बाद एक से छः में दो रन डालना है। एक से छः में दो रन डालना है। एक रन कंप्लीट हो चुका है, दूसरा रन इंस्टॉल कर रहे हैं अभी। एक से छः में दूसरा रन एक साइड को डाल रहे हैं अभी। दूसरा रन एक साइड पूरा कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग। तीसरा रन एक साइड को भी इंस्टॉल करेंगे हम। एक से छः में दो रन डालना है, इसमें पेपर इंस्टॉल कर लेते हैं। देख सकते हैं एक साइड पेपर इंस्टॉल हो चुका है, एक साइड को हम डाल रहे हैं। साइट इंस्टॉल हो चुका, दूसरे साइट को इंस्टॉल दो राउंड डालना है। देख सकते हैं स्टार्टिंग का चौथा साइट भी डल चुका है, इसमें पेपर इंस्टॉल करना है। स्लॉट पेपर या तो आप पीवीसी पेपर बोल सकते हैं, डाल सकते हैं। देख सकते हैं पूरा इसमें रनिंग कॉइल स्टार्टिंग कॉइल दोनों कॉइल इंस्टॉल हो चुका है। इसको आपको कनेक्शन कर दिखाएंगे। चलिए इसको कनेक्शन कर दिखाएंगे। रनिंग कॉइल का दो सिरा निकल कर आया है, इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं। स्टार्टिंग कॉइल का दो सिरा निकल कर आया है, इसको S1 मान लेते हैं, इसको S2 मान लेते हैं। S2 और R2 को इससे रेड में ज्वाइन करेंगे, क्योंकि कच्चा ज्वाइन कर रहे हैं, बाद में पक्का ज्वाइन करेंगे हम लोग। और R1 को हम ब्लैक वाला में ज्वाइन करेंगे, उसके बाद नीला वाला में हम S1 को ज्वाइन करेंगे। दोस्तों इसका कनेक्शन हो चुका है, इसमें सील पैक डाल लेते हैं। उसके बाद इसमें पीवीसी डालेंगे रनिंग स्टार्टिंग के दोनों के बीच में।
ताकि रनिंग गर्म होने पर स्टार्टिंग को प्रभाव न पड़े इसको पीवीसी डालेंगे, इसके बाद इसको रस्सी से खिलाई करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों, इसमें पक्का ज्वाइन करके सिली पैप डालकर रनिंग स्टार्टिंग के बीच में ग्रीन पेपर डालकर सिलाई कर चुके हैं। इस साइड भी रनिंग स्टार्टिंग के बीच में ग्रीन पेपर डालकर सिलाई कर चुके हैं। ये रेड वाला पॉइंट कॉमन है और काला वाला पॉइंट रनिंग पॉइंट का है और ये नीला वाला पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट का है। नीला वाला और काला वाला में 4 MFD का कैपेसिटर यूज मिलेंगे और रेड वाला और काला वाला में 220 वोल्ट सप्लाई देंगे तो मोटर वर्किंग करेगा।